बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी ये जो गुफ्तगू है ये दर हकीकत न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1973 के हवाले से अपने उन दोस्तों के लिए है जो अखबारात में मुलाजमत अख्तियार किए हुए हैं और जिनके कुछ ड्यूज़ अखबारी मालकान की तरफ रहते हैं, तनख्वाहों की सूरत में, ग्रेजुटी की सूरत में, प्रोविडेंट फंड की सूरत में या और भी जो मामलात हैं उस हवाले से। एक तो हम इस हवाले से जो है मैं अपनी सर्विसेज भी दे रहा हूं और मेरी ये कोशिश है कि मैं जो हमारे साफ़ी भाई हैं मुश्किलात में मुब्तला हैं उनकी हर तरह जो है वो लीगल हेल्प की जाए। अब ये जो एक्ट है इस एक्ट के हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, इसमें वाज़े तौर पर जो वेज बोर्ड अवार्ड के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ट्रिब्यूनल कायम किया गया है और ट्रिब्यूनल की जो हेयरिंग होती है सूबाई हेडक्वार्टर्स पर और इस्लामाबाद में, वहाँ पर एप्लीकेशन दी जाती है कि जनाब हमारे ये बकाया जात रहते हैं अवार्ड के हवाले से, या फिर हम जो है वर्कमैन कंपनसेशन के जो हवाले से फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के हवाले से जो वर्कमैन कमिश्नर से जो है वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने बकाया जात के लिए वसूलियों के लिए जो है वो करते हैं, इसी हवाले से जो टर्म्स एंड कंडीशन जॉब्स के हवाले से हैं इनके एम्प्लॉयमेंट्स के हवाले से हैं उसके लिए फॉरम नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन NIRC भी है जो कि सूबाई हेडक्वार्टर्स में भी है, लाहौर में भी यहाँ पर उनका जो है वो बेंच बना हुआ है कमीशन का, जिसमें एक साहब जो हैं वो एज ए मेम्बर परमानेंट होते हैं, फुल बेंच भी यहाँ पर आता है, सब रजिस्ट्रार भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, आगाही देने का मकसद ये है कि वो अखबारी मुलाजमीन जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया है, अभी हाल में बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है अखबारी जो सनत है, वो अपने हकूक़ के लिए काम करें, अपने हकूक़ के लिए जो है वो जो उनको कानून के अंदर रह कर पैरामीटर्स दिए गए हैं कि जनाब वो उनके जो बकाया जात बनते हैं उसके लिए उनकी जो सैलरीज नहीं मिली उनकी उसके एरियर के लिए उनकी उन्होंने अगर उस अदारे को छोड़ दिया है जॉब उनकी ख़त्म हो गई है तो उसकी अपनी ग्रेजुटी के लिए और प्रोविडेंट फंड के लिए। प्रोविडेंट फंड जो है वो भी कंट्रीब्यूटरी फंड होता है कि जितने परसेंट वो एम्प्लॉय की सैलरी से काटते हैं उतने परसेंट एम्प्लॉयर जो है वो देता है और उसके साथ फिर उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है। तो ये सूरत हाल जो इस वक्त मेरे देखने में आई है और मैं ख़ुद भी जो है वो जो बोर्ड है उसका उसमें पेश होता हूँ और इसके साथ साथ जो है NIRC में भी काफ़ी अर्से से पेश हो रहा हूँ, तो अखबारी मुलाजमीन के हवाले से स्पेसिफिकली ये मैसेज देने का मतलब ये था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर अपना हक जो है ना वो करदार अदा कर रही है, वो ऑफिशियल गजट में वेज बोर्ड को फिक्स कर देती है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए जो है ना मैंने देखा है कि वो बहुत सारे मसाइल का सामना जो है वो होता है और एम्प्लॉयज़ जो हैं अब जो लोग जो अखबारी मुलाजमीन जो अखबारी जो सहाफ़ी जो जर्नलिस्ट जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम किसी अखबार को दिया होता है, वो लोग जो हक़ की आवाज़ के लिए अपनी जानों का जो है नजराना पेश करने से भी ग्रेज़ा नहीं नज़र आते, अपने दिन रात उन्होंने किया होता है, उन वो कसम पुरसी के आलम में जब उनको उनका अदारा निकाल देता है तो इन हालात में जो उनका जायज़ हक बनता है उसके लिए ज़रूर उनकी लीगल हेल्प जो है वो करनी चाहिए। उस हवाले से आपका ये भाई अशरफ आसमी एडवोकेट आप सबके साथ है
और भरपूर आपकी जो है कानूनी मामला जो है वो इस हवाले से जो है वो की जा भी रही है, और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में भी आप मुझसे इस हवाले से रब्ता कर सकते हैं। इसमें अब जो फिक्सेशन है वेज अवार्ड की, उसमें पीस वर्क और टाइम वर्क को भी देखा जाता है, और जो लिविंग कॉस्ट है, और जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क के, हाँ इन्फ्लेशन रेट, इन सारे फैक्टर्स को देखना होता है। लेकिन असल चीज़ है कि मिल क्या रहा है, दे क्या रहे हैं। इसमें अब बोर्ड के पास, वेज बोर्ड के पास, ट्रिब्यूनल के पास सेम पावर हैं कि वो जब उनको उनकी चीज़ें नहीं मिल रही, उनका हक नहीं मिल रहा, तो वो कंटेम्प्ट्स की पावर उनके पास हैं अंडर सेक्शन 22C ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि एक भरपूर जो है वो एक आपको फॉर्म मिलना चाहिए। अखबारी मुलाज़मीन जो दोस्त हैं जिनके अब किसी और अखबार में जॉब कर रहे हैं, या किसी अखबार में से छोड़ा है, या उनको निकाल दिया गया, उनके बकायाजात वहाँ रहते हैं, तो वो इसको प्रोसीड करें। बोर्ड का जो डिसीजन है वो तमाम एम्प्लॉयर के लिए बाइंडिंग है, और इसलिए इस हवाले से किसी किस्म की कोताही जो है उसको जो है ना वो आप सामने ना लाएं। जो भी मामलात हैं ट्रिब्यूनल जो है उसके पास पार जो हैं वही हैं जो लेबर कोर्ट के पास पार है। ये स्पेशल ट्रिब्यूनल इसीलिए बनाया गया है कि जो अखबारी मुलाजमीन उनको एक स्पेसिफिक फोरम मिल जाए ताकि इनकी दादरसी का जो तरीकाकार है वो आसानी के साथ हो सके। इवन अगर कोई एम्प्लायर जो है या कोई भी शख्स जो है जिसको ये सजा ट्रिब्यूनल दे देता है, सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से 6 माह तक उसको सजा भी दी जा सकती है जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाता। बाकी अगर हम ये समझते हैं कि जनाब किसी लेवल पर आकर हमारी एप्लीकेशन को ट्रिब्यूनल जो है वो नहीं मान रहा, टाइम बॉर्ड कह देता है या कुछ और उसके मामलात को देखता है, इसी तरह अगर जॉब्स के हवाले से NIRC में हम जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मामलात आते हैं इस तरह बकायाजात के लिए, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्कुल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है ये। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेजाज बहुत सारी बेतहाशा जजमेंट्स हैं कि जो सैलरी है, एरियर्स हैं, वो कभी टाइम बार्ड नहीं होते हैं। जिस तरह हक़ विरासत कभी टाइम बार्ड नहीं होता, इसी तरह किसी की सैलरी, देखिए उसने मेहनत की हुई है। अब हमारे पास एक केस है, एक शख्स ने अपनी जिंदगी के 12 साल 13 साल एक बहुत बड़े अशाती अदारे को, अखबार को दिए, और उसने कोई और अखबार ज्वाइन करना चाहा तो उसके सारे एरियर सारा कुछ जो है वो रोक लिया गया, हत्ता के गेट बंद कर दिया गया, गार्ड्स को कह दिया गया कि जनाब इस शख्स को अंदर नहीं आने देना। तो 3-5 साल जो है वो उसको तो अंदर ही नहीं आने दिया, तो वो अपने हक के लिए कैसे उनसे रब्ता करेगा, मिलेगा उनको? तो यही फोरम है उनके पास। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए, वॉइस रेज करने के लिए आपकी खिदमत में हम हाज़र हैं। रब्ता करें, मेरे ये यूट्यूब जो वीडियो है इसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।